भारत में साल 1975 में लगाए गए इमरजेंसी के विरोध में पंजाब बीजेपी ब्लैक डे यानी कि काला दिन मना रही है। आज बीजेपी के ब्लैक डे का दूसरा दिन है। इससे पहले शनिवार को पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, जबकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया है। पच्चीस जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आपातकाल का विरोध करने वाले नेताओं और लोगों को जेल में डाला गया। उस दिन को याद करते हुए पंजाब बीजेपी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। जलंधर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने इस बाबत बताते हुए कांग्रेस को कोसा। इस करके लाई सी कि कोर्ट ने यह फैसला दे दिता सी कि उस वेले की प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी सी उसका चुनाव जिहड़ा सी उन्हें रद्द कर दिता। संविधान नूं तार तार करदे आ इस देश के उत्ते एमरजेंसी लागू कर। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सावधान करते हुए कहा है कि खुद को इस बीमारी से बचा कर रखें। तुसी काले दिन वालों के उल्टो तुसी भी अंदर रहे सी, पर जो कुछ तुसी हुण कर रहे हो तुसीं भी ज़्यादा काले दिनों की चेता लोगों को कराई जाते। आप उस बीमारी तो जरूर बच जाओ जिहड़ा तुसीं इंदिरा गांधी के विरुद्ध कर रहे हो, तुसीं कह रहे हो चंगा कर रहे हो, पर उस नक्शे कदम से तुसीं अज आप चले हुए हो, इहदे तों तुसीं बच के रहना। उधर पंजाब कांग्रेस ने बीजेपी की इस कोशिश को चुनावी स्टंट करार दिया है। पंजाब का काला दिन मनाओ ना, पंजाब के अंदर लॉ एंड आर्डर की हालत खराब है, वो काला दिन मनान। किसान खुदकशियां कर रहे हैं वो काला दिन मनान। इलेक्शन करके इन्हों की कोशिश है, इन्हों कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वहीं अकाली दल ने आपातकाल के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा लगाने का श्रेय सरदार प्रकाश सिंह बादल को दिया। प्रकाश सिंह बादल जी जो थे उन्होंने ये सारी जो उसके खिलाफ फाइट अगेंस्ट इमरजेंसी थी एक ही पार्टी ने उसके खिलाफ मोर्चा लगाया था, वो श्रोमणी अकाली दल ने लगाया था। दरबार साहब से हरिमंदर साहब से मोर्चा लगाया गया था और उसके उसमें रोज़ाना जत्थे जाते थे और उनकी जो पहले जत्था था उसकी अगुवाई सरपकार सिंह बादल ने की थी और ये पूरे 19 महीने जेल में रहे थे। आपातकाल के मसले को चुनाव से ठीक पहले भुनाने की बीजेपी की कोशिश पर अन्य दलों को भी सियासत करने का मौका दे दिया है। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी, जलंधर से राजीव वधवा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया अमृतसर।